बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ऐसा मेथड बता दिया जाए जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट करके भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो दैट इज पॉसिबल? यस पॉसिबल है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं कि जीरो रुपीज इन्वेस्ट करके वो ब्लॉगिंग करें और यकीन माने मंथली वो आराम से अगर कहीं भी नहीं गया तो $300 से $400 वो अर्न करें, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन मैं कहता हूँ कि 60-70,000 रुपीज़ की एक ह्यूज अमाउंट बनती है और हैंडसम अमाउंट है। अगर आप इस टफ कंपटीशन के टाइम के अंदर भी इतने पैसे, एक रुपया लगाए भी आप जो है ना अर्न करें, तो आपको इतने पैसे अगर आप कहीं पर भी जॉब कर ले तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है और फिर जाकर आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैथड जीरो इन्वेस्टमेंट है, ब्लॉगिंग भी करेंगे, साइट्स भी हमारी रैंक होंगी और हमारी ये अर्निंग वाली जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? इसी बात पे लाइक कर दे इस वीडियो को, मेथड आपके साथ कंप्लीट शेयर करने वाला हूं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलते हैं मैं वीडियो की तरफ और आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर दे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आपने ब्लॉगिंग के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत होती है, वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो आपको फ्री में मिलेगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कंटेंट राइटिंग करना पड़ती है वो भी आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग आप फ्री में कैसे कर सकते हैं। ये दो काम आप मेन होते हैं हमारे, और उसके बाद जो ब्लॉगिंग के लिए निशेस निकालना, कीवर्ड्स निकालना, वो तो बिल्कुल फ्री वाले मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो निश, वो कौन सी हमारे लिए होती है। ऐसी निश जिसके अंदर बिल्कुल लो कंपिटिशन हो, वो हमारी माइक्रो निश होती है। जैसे कि अगर मैं कह लूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास एक निश है, मैं इसको फाइनल करता हूँ कि मैं इसके अंदर काम करूँगा। अब मैं दूसरा नंबर काम क्या करूँगा कि मेरे पास कीवर्ड्स होने चाहिए जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखवाने हैं, मैं यहाँ पर कीवर्ड्स रिसर्च करूँगा। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, आप गूगल के अंदर आएँ, यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है कीवर्ड एवरीवेयर की। अब एक्सटेंशन आपको कैसे मिल सकती है, आप जाएँ यहाँ पर गूगल में और यहाँ पर जाकर लिखें क्रोम वेब स्टोर, आप ये लिखेंगे तो आपके सामने क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का। आपने इसके अंदर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च कर लेना है स्टोर के अंदर कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर की एक एक्सटेंशन होती है, ये आपने जाकर सर्च कर लेनी है। ये देख सकते हैं एक्सटेंशन आ चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम कह रहा है, मेरे पास इंस्टॉल है, आपने इसको एडिट कर लेना है और ये आपके पास ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि सिंपल आपने गूगल के अंदर आना है और यहाँ पर आकर आपने लिख देना है ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, कह लें यार आप पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसके रिलेटेड हमें कीवर्ड सर्च करने हैं ना, तो कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ऊपर क्लिक करें तो गूगल हमें खुद बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन अर्निंग पाकिस्तान फॉर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान ऑन मोबाइल, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, विड्रा इजी पैसा, ये तमाम आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसको आप यहाँ पर नीचे डाउन में जाएं तो यहाँ पर भी आपको तमाम वो कीवर्ड्स शो हो जाएंगे, तो आपने इन तमाम कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। अच्छा, अभी जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी कीवर्ड एवरीवेयर की, अब देखिए वो भी हमें कीवर्ड्स शो करवा रहा है, हमें दिखा रहा है ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, विड्रा इजी पैसा, विड्रा जैज कैश, बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद नीचे और भी कीवर्ड्स हमें बता रहा है, ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर हमने क्या करना है कि अपनी साइट को बनाना है और इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। अच्छा जी, अब ये कीवर्ड्स भी हमारे निकल कर आ चुके हैं, अब हमने क्या करना है कि इनके ऊपर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे लिख सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ कि वो कैसे लिखेगा। आपने एक आर्टिकल लिखने के लिए अपने सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ना है, फिर आप चैट जीपीटी के अंदर आओगे, यहां पर आकर इसको कमांड दोगे कैन यू एक्ट विद मी, ये आपने कमांड देनी है, आपने इसको कमांड देनी है कैन यू एक्ट विद मी कंटेंट राइटर, तो बिल्कुल जी ये आपके साथ एक्ट करेगा कंटेंट राइटर की तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो कीवर्ड है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है और साथ आपने ये कमांड देनी है कि राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड, मैंने इसको सिर्फ ये कमांड दी कि राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग आउटलाइन एफएक्यू एंड कंक्लूजन। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर कॉमा लगाना है और अपना जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जिस तरह का मेरा मेन कीवर्ड है अर्न मनी इन पाकिस्तान फॉर स्टूडेंट्स, फिर आपने कॉमास लगाने हैं और इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है।
अब देखें कि ये आपके पास क्या कर रहा है कि आपको एक आउटलाइन जनरेट करके दे रहा है। यहां पर सबसे पहले उसने आउटलाइन जनरेट की, उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, पॉपुलर ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड डिजिटल आर्ट, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, की कंसिडरिंग बिफोर स्टार्टिंग, वो उसने बता दिए हैं। फिर उसने देखें इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके बाद पॉपुलर ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रीलांसिंग उसके ऊपर बताया उसने, कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, ये तमाम चीजें बताई हैं। उसके बाद की कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग उसके ऊपर उसने लिख दिया है, FAQs बनाकर दे दिए, फिर लास्ट के अंदर उसने कंक्लूजन दे दिए। इस तरह से आर्टिकल्स लिखा जाता है, ठीक है। और इस आर्टिकल्स को जब ये लिख हो जाएगा, इसको आपने पकड़ना है और अपनी वेबसाइट बनानी है, और उसके ऊपर आपने इसको अपलोड करते जाना है। अब वेबसाइट कैसे बनेगी वो आपको गाइड कर, आपने सिंपल क्या करना है कि मेरे इसी चैनल को ओपन करना है, और चैनल को ओपन करने के बाद जी आपके सामने ये एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ब्लॉगिंग कोर्स 2023 वाला लेटेस्ट मेरा कोर्स है। आपने इस कोर्स की 10 वीडियोस सिर्फ बनी हुई है, आपने इन 10 वीडियोस को वॉच कर लेना है, और वॉच करने के बाद आपको क्या होगा कि ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अंदर तमाम मैंने इंपॉर्टेंट चीजें और जितनी पेड चीजें होती हैं लोग कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं वो फ्री में मैंने सिखा दी है इन 10 वीडियोस के अंदर। आपने क्या करना है कि इन 10 वीडियोस को लाजमी वॉच कर लेना है, मे बी आपका 1 या 2 घंटे लगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और आपका ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आप अपनी साइट बनाने के काबिल हो जाओगे। जब आप अपनी फ्री के अंदर साइट बनाओगे, 1 रुपया भी नहीं लगाना, ना डोमेन परचेज करनी है, ना होस्टिंग परचेज करनी, कुछ नहीं करना, जो आपको तरीकाकार बता दिया है उसको फॉलो करना है, और अपनी साइट बनानी है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स अपलोड करना स्टार्ट कर देने। इसके अंदर यह भी बताया गया इस कोर्स के अंदर कि किस तरह से आर्टिकल्स अपलोड किए जाते हैं, ये तमाम चीजें आपने इससे लर्न करनी है, और इसके बाद अप्लाई करनी है। इंशाल्लाह आपकी साइट जो कि गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद आपके वारे न्यारे और डॉलर आपके हाथ के अंदर होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखना, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।